तो वापस से स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की नई वीडियो में, जहां की आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिसका शोनरा होने वाला है क्राइम और मिस्ट्री। ये मूवी हाल ही में 2022 में फेब के मंथ में रिलीज़ हुई है और ये द मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस जो कि 2017 में आई थी उस मूवी का सीक्वल है। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आज हम इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी स्पॉइल्स नहीं देंगे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं। तो चलो फिर मूवी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मूवी की रेटिंग्स की। तो आईएमडीबी ने इसे 6.3 की रेटिंग दी है। और अब बात करें मूवी की कास्ट की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ केनेथ ब्रैग की, जिन्होंने इसमें डिटेक्टिव का कैरेक्टर प्ले किया है। दूसरी तरफ इसमें लीड एक्ट्रेस को लिया गया है गोल गैरेट, जो जिसे कि सब जानते हैं। और तीसरी तरफ मैं बताना चाहता हूँ इसमें गुड्डू भैया यानी कि अली फैजल का भी रोल है। तो सबसे पहले तो मूवी की कहानी की बात करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लिनेथ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लिनेथ साइमन नाम के एक व्यक्ति से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद दोनों इजिप्ट जाते हैं, जहाँ पे वो अपना रिसेप्शन रखते हैं। रिसेप्शन के लिए सभी लिनेथ के सभी रिश्तेदारों और रिलेटिव्स को बुलाया जाता है। पार्टी होने वाली होती है नाइल नदी के ऊपर, जिसके लिए वो एक बड़ी सी शिप भी बुक करते हैं। तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें यही दिखाया जाता है कि लिनेथ बहुत ज़्यादा अमीर है। जब उसके रिलेटिव्स आते हैं तो सभी रिलेटिव्स का इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये दिखाया जाता है कि कौन कौन लिनेथ की पीछे पड़े हैं, कौन कौन किसी जायदाद पाना चाहते हैं और कौन कौन उससे नफरत करते हैं। तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में तो हमें यही देखने के लिए मिलता है। पर जब मूवी का दूसरा पार्ट शुरू होता है तो शिप जो कि नाइल नदी के बीचों बीच होती है, उस शिप में लिनेथ का मर्डर हो जाता है। अब मूवी के आगे की स्टोरी तो आपको देखकर ही पता चलेगी। तो मूवी जब आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि खूनी कौन था या खूनी नहीं था, या खूनी पकड़ा जाएगा या नहीं, या खूनी था ही नहीं कोई। तो ये मूवी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि वाई शुड यू वॉच डेथ ऑन द नाइल। तो अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपने मर्डर इन दी ओरिएंट एक्सप्रेस देखी है तो आपको पता ही होगा कि इसका जो पहला पार्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसमें जॉनी डेप का मर्डर होता है। तो अब बात करते हैं डेथ ऑन द नाइल की। तो डेथ ऑन द नाइल मुझे ठीक ठाक मूवी लगी। इसमें मिस्ट्री है, इसकी स्टोरी भी ठीक ठाक है, बट स्टोरी थोड़ी बेटर हो सकती थी पर बुरी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हो एक मिस्ट्री भरी मूवी तो आपको डेथ ऑन द नाइल को ज़रूर मौका देना चाहिए। और अब बात करते हैं अली फैजल की। तो अली फैजल ने भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ऐसा भी नहीं है कि एक छोटा सा रोल है, उनका रोल पूरी मूवी में है। तो अगर आप अली फैजल के फैन हो तो आपको तब भी ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए हैं और फालतू में वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।